स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में आज सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये मैच तय करेगा इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का भविष्य। अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बाहर, और अगर भारतीय टीम किसी भी तरीके से मैच को गंवा देती है तो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें बचेंगी। लेकिन भारतीय टीम दमदार है। मुकाबला किस मैदान पर होगा और उस मैदान की पिच का मिजाज क्या है और मैदान के आंकड़े क्या कहते हैं, टी20 इंटरनेशनल में इस मैदान पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है या गेंदबाजों का, चलिए आपको सभी डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले बात ग्राउंड स्टैट्स की। अगर हम ग्राउंड स्टैट्स पर नजर डालें तो यहाँ पर टी20 इंटरनेशनल में कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 12 मैच जीते हैं और दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम ने 11 मैच जीते हैं। यानी कि बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकेंड दोनों ही टीमों का पक्ष यहां पर मजबूत रहता है, 50-50 लगभग आंकड़े हैं। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर हम बात करें तो वो है 166 का, और हाईएस्ट टोटल जो यहां पर बना है वो है 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर, वेस्ट इंडीज ने बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ 2024 में ही ये हुआ है। और इसके अलावा अगर हम हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो वो है सुरेश रैना के नाम, भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 101 रनों की पारी खेली थी। ये है किसी भी बल्लेबाज द्वारा हाईएस्ट स्कोर जो इस मैदान पर सेंट लूसिया के मैदान पर बनाया गया है। चलिए भारतीय टीम के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। सेंट लूसिया में टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा है तो भारतीय टीम ने इस मैदान पर 3 मैच खेले हैं जिसमें से 2 जीते हैं और 1 मैच टीम इंडिया हारी है। और भारतीय टीम का यहां पर हाईएस्ट टोटल है 186 और टीम इंडिया का जो लोएस्ट टोटल है वो है 163 का। पिच के मिजाज की अगर बात करें तो यहां पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, यहां बैटर्स हावी रहते हैं गेंदबाजों पर, लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच दिन का मैच होगा और दिन में स्पिनर्स भी रोल इंपॉर्टेंट अदा करते हैं, लेकिन यहां पर जो हार्ड हिटर्स होते हैं, जो हार्ड हिटिंग करने वाले बल्लेबाज होते हैं वो आमतौर पर हावी रहते हैं। कि और यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच ज़्यादा होते हैं, ये भी आपको बता दें। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज़ के बीच जो मुकाबला हुआ था इसी टी20 वर्ल्ड कप में, उसमें 218 रन वेस्टइंडीज़ की टीम ने बनाए थे जो इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट टोटल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बल्लेबाज अपना दमखम दिखाते हैं। वहीं अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस मैदान पर अब तक इस टी20 वर्ल्ड कप में 5 मैच खेले गए, तो उन 5 मुकाबलों में से 6 बार 180 से ज्यादा रन बने हैं, 5 मैचों में 6 बार, मतलब किसी एक टारगेट चेस करने वाली टीम ने भी 180 से ज्यादा रन बना दिए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला हुआ था वहां पर पिच चूंकि बैटिंग के लिए थोड़ा सा टफ थी, डिफिकल्ट नजर आई थी, क्योंकि वो मुकाबला भी दिन का था और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच होगा वो भी दिन का मैच होगा। तो देखना होगा बल्ले और गेंद के बीच कैसी जंग देखने को मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए है ये करो या मरो वाला मुकाबला। सभी की नजरें इस मुकाबले पर बनी हुई हैं, जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मैच है। इस वीडियो में जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े प्लीज़ आप इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है। इंडिया टीवी क्रिकेट पर टी20 वर्ल्ड कप की दमदार कवरेज जारी है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।